दोस्तों, हम सभी सदियों से हल्दी का इस्तेमाल करते आए हैं, ना सिर्फ अपने चेहरे की रंगत को निखारने के लिए बल्कि अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए भी। कभी कोई चोट लग गई हो, कभी कोई हड्डी में सूजन आ गई हो, कोई मसल रैप्चर हो गई हो, या फिर शरीर की इम्यूनिटी लो हो गई हो, हल्दी का प्रयोग बहुत बार बहुत जगह पर किया गया है और आयुर्वेद ने हल्दी के बारे में बहुत सारे गुणों का बखान किया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक हल्दी से बनने वाले ऑयल को। हल्दी से बना हुआ ये ऑयल अगर आप साल भर अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर लगाते हैं, तो ना सिर्फ ये आपके चेहरे की और त्वचा की रंगत को निखारता है, बल्कि ये आपको एंटी एजिंग रिजल्ट्स भी देता है। क्योंकि इसे बनाने के लिए हम हल्दी के साथ साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी करेंगे जो मॉडर्न साइंस भी मान चुकी है कि ये हमारे चेहरे की रंगत को निखारने के लिए काम करते हैं। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मेक श्योर कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन देना मत भूलिएगा। आपके थोड़े थोड़े लाइक्स हमारी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं और हम आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन वीडियो कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। दोस्तों, इस DIY हल्दी ऑयल को बनाने के लिए हमें 7 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होने वाली है। सबसे पहला और बेसिक इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेने वाले हैं, वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल जो है वो इस ऑयल का बेस होने वाला है। और इसमें नारियल का तेल जब भी आप इस्तेमाल करें तो हमेशा ध्यान रखें कि ये कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसे ऑयल्स बना रही हैं जो सिंथेटिक हैं, जिनके अंदर नारियल की खुशबू तो आती है लेकिन नारियल के गुण नहीं होते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी जो आपने बचपन में देखी होंगी। उसमें से एक चीज़ ये भी शायद आपको याद होगी कि एक ज़माना होता था जब नारियल का तेल हमें लोहे के या टीन के डब्बे में मिला करता था। अगर आपने वो ज़माना देखा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से यस लिख करके बताइएगा। और तब जब हम नहाने जा रहे होते थे, हम उस टीन के डब्बे को बाहर धूप में रख करके जाते थे ताकि जब हम आए नहा करके तो वो पिघला हुआ मिले, वो तेल जो है वो थोड़ा सा पिघल चुका हो और हम उसे अपने बालों में, अपनी त्वचा पर लगा सके। लेकिन आज जो नारियल का तेल हमें मिल रहा है उसी कंपनी का है, लेकिन वो हमें लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। मुझे शायद इसे शब्द देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा किस कदर मिलावट हो रही है। और इसीलिए आज वो चीज़ें जो हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो अब हमें रिजल्ट्स नहीं दे रही हैं। और इसी वजह से हमें उसी नारियल के तेल में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके, मिला करके उसकी ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर हम लेंगे 50 ml नारियल का तेल, जो कि कोल्ड प्रेस होना चाहिए, तभी ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगा। दूसरा इंग्रेडिएंट हल्दी हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो 50 ग्राम अगर आपने यहाँ पे नारियल का तेल लिया है तो 20 ग्राम आपको यहाँ पर हल्दी लेनी है। हल्दी की जब मैं बात करूँ तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको मार्केट से साबुत हल्दी खरीदनी चाहिए, उसे पहले धोना चाहिए, पीसना चाहिए और फिर उस पाउडर को आपको इस्तेमाल करना चाहिए इस ऑयल को बनाने के लिए, ताकि आपके इस ऑयल के अंदर रंग ना आए, सिर्फ और सिर्फ हल्दी के गुण आ जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग हल्दी के पाउडर के रूप में हमें पीला रंग बेच रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में एलर्जी हो सकती है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो है सौंफ। सौंफ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन को बूस्ट करती है, जो कि ब्यूटी हार्मोन है। और ये ब्यूटी हार्मोन हमारी स्किन को रिजुविनेशन देने में, हमारी स्किन के ग्लो को बढ़ाने में, हमारी स्किन पर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देने में हमें मदद करता है। सो 2 चम्मच मतलब लगभग 10 ग्राम जो है वो हमें यहाँ पर सौंफ, जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं, वो यहाँ पर ऐड कर देनी है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है मुलैठी पाउडर। मुलैठी, जिसको कि इंग्लिश में लिकरिश कहा जाता है, मॉडर्न साइंस भी ये मान चुकी है कि ये हमारी त्वचा में अगर लगाया जाए या खाया जाए तो इसकी वजह से त्वचा में बनने वाले एक्सेसिव मेलानिन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ चेहरे का कालापन बल्कि पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, टैनिंग, सनबर्न, फ्रैकल्स और मंकी माउथ को भी खत्म किया जा सकता है। तो मेक श्योर 2 चम्मच आप यहाँ पे मुलैठी पाउडर जरूर ऐड करें। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। ये भी हमें 2 चम्मच लेना है। इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये स्किन के ऊपर लगने पर हमारी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। नंबर 6 जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो है
15 से 20 दाने काली मिर्च के, इन्हें कूट करके आप डाल देंगे। इसके अंदर होता है नेचुरल पेपरीन और ये नेचुरल पेपरीन स्किन के अंदर जा करके स्किन को रिजुविनेट करता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और स्किन हेल्दी नजर आना शुरू हो जाती है। और नंबर 7 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है लास्ट इंग्रेडिएंट और वो है लगभग 5 से 10 ग्राम चावल। चावल जो है वो हमें यहाँ पे साबुत डाल देने हैं, उसका पाउडर नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर होता है नेचुरल स्टार्च जो स्किन को फेयरनेस देने का काम करता है। इन सारी चीज़ों को मिला करके तब तक आपको इसे गर्म करना है जब तक ये सारी चीज़ें जल नहीं जाती हैं, काली नहीं हो जाती हैं। अब आप इस ऑयल को छान लीजिए और एक कांच की शीशी में भर करके रख लीजिए। रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धोइए। धोने के बाद 10 से 15 ड्रॉप्स इस तेल की लीजिए, चेहरे पर लगाइए और अच्छे से मालिश करके इसे स्किन के अंदर जज्ब करवा दीजिए। जब रात भर ये ऑयल आपकी स्किन पर रहेगा, आपकी स्किन को सुबह तक ये बहुत ज़्यादा चमक देगा, आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देगा और आपकी स्किन में बहुत हेल्दी ग्लो आपको नजर आएगा। 3 से 6 महीने से लगातार कीजिए और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।